हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना का विकास पार्ट 12 यानी 12, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे दलित विमर्श और आलोचना, ठीक है, दलित विमर्श से संबंधित आलोचना। तो ध्यान दें, गौर करेंगे, हिंदी साहित्य के प्रमुख दलित आलोचक, कैसे आलोचक, दलित आलोचक और आलोचना, ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, हमारे पहले दलित आलोचक हैं कौन, ध्यान दें, कमल भारती। इनकी आलोचना है दलित विमर्श की भूमिका, दलित विमर्श की भूमिका। फिर है दलित, केवल दलित। फिर है धम्म विजय। धम्म का अर्थ होता है धर्म, ठीक है, प्राकृत भाषा में रा का लोप हो जाता है और वो आधे अक्षर में बन जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखें धम्म विजय। तो ध्यान दें, कमल भारती जी की दलित आलोचनाएं हैं दलित विमर्श की भूमिका, दलित, फिर है धम्म विजय, तो ध्यान रखेंगे। गौर करना दोस्तों, माता प्रसाद जी की आलोचनाएं हैं, कैसी आलोचना, दलित आलोचना। ध्यान दें, हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा कब आई, 1993 ईस्वी में। फिर आई दोस्तों अंतहीन बेड़ियां, ठीक है, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों, माता प्रसाद जी, इनकी आलोचनाएं हैं हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा 1993 ईस्वी। फिर है अंतहीन बेड़ियां, ये किसकी हैं आलोचनाएं, तो ध्यान रखें माता प्रसाद गुप्त जी की दलित आलोचनाएं हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, अगले आलोचक हैं कौन, रजत रानी मीनू की नवे दशक की हिंदी दलित कविता, किसकी आलोचना है, रजत रानी मीनू जी की। गौर करेंगे दोस्तों, शिवराज सिंह बेचैन जी की आलोचना है हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव, क्या नाम है, हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर जी का प्रभाव, किसकी दलित आलोचना है, शिवराज सिंह बेचैन जी की। गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर धर्मवीर जी की आलोचना है, ध्यान दें, प्रेमचंद की नीली आंखें मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोचना किसकी है, डॉक्टर धर्मवीर जी की, कैसी आलोचना है, दलित आलोचना है। फिर है कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध चिंतन, क्या है, कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध चिंतन, ठीक है, ये किसकी आलोचना है, डॉक्टर धर्मवीर जी की। फिर है कबीर और रामानंद किंवदंतियां, किसकी आलोचना है, डॉक्टर धर्मवीर जी की। फिर है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोचना, कौन सी दलित आलोचना है, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, किसकी है, डॉक्टर धर्मवीर जी की, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों, डॉक्टर धर्मवीर, इनकी आलोचना है प्रेमचंद की नीली आंखें। फिर है कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध चिंतन। फिर है कबीर और रामानंद किंवदंतियां, क्या है, कबीर और रामानंद किंवदंतियां। फिर है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी किसकी आलोचना है, डॉक्टर धर्मवीर जी की आलोचना है। गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर धर्मवीर जी की अन्य आलोचनाओं पर, ध्यान दें, इनकी आलोचना है कबीर के आलोचक, फिर है कबीर के कुछ
और आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक। फिर है कबीर सूत ना कपास, कबीर सूत ना कपास किसकी आलोचना है? दलित आलोचना है डॉक्टर धर्मवीर जी की। फिर है दोस्तों अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, क्या नाम है? अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। फिर है प्रेमचंद सामंत का मुंशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद सामंत का मुंशी कैसी आलोचना है? दलित आलोचना है। कौन है आलोचक? डॉक्टर धर्मवीर। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग है और डॉक्टर धर्मवीर अलग है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर है दलित चिंतन का विकास अभिशप्त, दलित चिंतन का विकास अभिशप्त। फिर है दोस्तों, अच्छा एक ही नाम है, पूरा नाम है ध्यान से सुने, दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। क्या नाम है? पूरा नाम है दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। ये सभी किसकी आलोचनाएं हैं? तो ध्यान रहे डॉक्टर धर्मवीर जी की। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों डॉक्टर धर्मवीर जी की आलोचनाओं पर। दलित आलोचनाएं हैं इनकी, कबीर के आलोचक, फिर है कबीर के कुछ और आलोचक, फिर कबीर सूत ना कपास, फिर है अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, फिर है प्रेमचंद सामंत का मुंशी, फिर है दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी आलोचनाएं हैं किसकी? डॉक्टर धर्मवीर जी की। गौर करेंगे दोस्तों, अगले आलोचक हैं दलित आलोचक जयप्रकाश करदम जी, इंपॉर्टेंट है, इनकी दलित आलोचना है जाति एक विमर्श, जाति एक विमर्श, कब आई? 1999 ईस्वी में आई हुई जयप्रकाश करदम जी की आलोचना है, दलित आलोचना जाति एक विमर्श, ध्यान रखेंगे 1999। गौर करेंगे दोस्तों अगले आलोचक हैं कौन? सोहनलाल सुमनाक्षर, सोहनलाल सुमनाक्षर, इनकी आलोचना है विश्व धरातल पर दलित साहित्य, विश्व धरातल पर दलित साहित्य, कब आई? 1999 ईस्वी में। एक बार फिर से सुने, सोहनलाल सुमनाक्षर की, सुमनाक्षर इनकी दलित आलोचना है विश्व धरातल पर दलित साहित्य 1999 ईस्वी, समय याद रखें। गौर करेंगे दोस्तों दयानंद बटोही, दयानंद बटोही जी की आलोचनाएं हैं, दलित आलोचना साहित्य और सामाजिक क्रांति, साहित्य और सामाजिक क्रांति, कब आई? 1999 ईस्वी में, दयानंद बटोही जी की दलित आलोचना। फिर है तेज सिंह, तेज सिंह जी की दलित आलोचना है आज का दलित साहित्य, आज का दलित साहित्य, कब आई दोस्तों? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, ठीक है, तेज सिंह जी की आलोचना है आज का दलित साहित्य 2000 ईस्वी, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, इनकी दलित आलोचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इंपॉर्टेंट है, किसकी आलोचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि जी की। फिर है दिनेश राम, इनकी आलोचना है दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य, क्या नाम है? दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य, किसकी आलोचना है? दिनेश राम जी की आलोचना है दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य। गौर करना जरा, तेजस्वी कुटुमणि, क्या नाम है? तेजस्वी कुटुमणि, इनकी दलित आलोचना है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय, भारतीय दलित साहित्य एक परिचय, कब आई? 2002 ईस्वी में, किसकी आलोचना है? तेजस्वी कुटुमणि की, क्या नाम है? भारतीय दलित साहित्य एक परिचय 2002 ईस्वी, ठीक है, दलित आलोचना है ये। गौर करना दोस्तों, ध्यान दें, देवेंद्र चौबे, देवेंद्र चौबे जी की आलोचना है कौन सी? आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श,
आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श, किसकी आलोचना है? देवेंद्र चौबे जी की। क्या नाम है? आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। गौर करना दोस्तों, अगले आलोचक हैं बाबूराव बागुल। बाबूराव बागुल, इनकी आलोचना है दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान। दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान। फिर है दोस्तों रमणीका गुप्ता। रमणीका गुप्ता, इनकी आलोचना है स्वर और नई शताब्दी। स्वर और नई शताब्दी, किसकी आलोचना है? रमणीका गुप्ता जी की। ठीक है, दलित आलोचना है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे विविध। ठीक है, यानी कि विविध आलोचनाओं में विविध आलोचनाएं। ठीक है, तो ध्यान दें, इसमें सभी आलोचक शामिल हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, यहां से ये वाला पार्ट आप जरूर कर लें। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना मुझे लगती है। ठीक है, आलोचनाओं में सभी पढ़ें, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना है वो आपको ये करना है, विविध। ठीक है, तो ध्यान रखें, गौर करेंगे, यहाँ कुछ बिंदु हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र जी, तीन व्यक्ति हैं। कौन कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र जी। ठीक है, इन्होंने हिंदी की अनस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस। क्या नाम है? हिंदी की अनस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस। ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की। तीनों ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है हिंदी की अनस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस। कौन कौन लोग हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गौर करना दोस्तों, ध्यान दें, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण ग्रंथावलियां और उनके संपादक। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण ग्रंथावलियां और उनके संपादक। ठीक है, तो देखते हैं, तो गौर करेंगे दोस्तों, पहले संपादक हैं हमारे कौन? श्याम सुंदर दास। इनकी ग्रंथावली है कौन सी? कबीर ग्रंथावली। किसकी है कबीर ग्रंथावली? श्याम सुंदर दास जी की। फिर है हरिओद। हरिओद जी की ग्रंथावली है कबीर वचनावली। किस नाम से? कबीर वचनावली। ठीक, किसकी है? हरिओद जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की। ठीक, कबीर वचनावली। गौर करेंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी ग्रंथावली है, ध्यान दें, जायसी ग्रंथावली। किस नाम से? जायसी ग्रंथावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथावली। ठीक है, पूछी जाती है एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ग्रंथावली है जायसी ग्रंथावली, जिसका संपादन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है अगले संपादक विद्यानिवास मिश्र जी। इनकी ग्रंथावली है भूषण ग्रंथावली। क्या? भूषण ग्रंथावली। फिर है आलम ग्रंथावली। तो दो ग्रंथावलियां हैं जिनका संपादन विद्यानिवास मिश्र जी ने किया है। कौन कौन सी? भूषण ग्रंथावली और आलम ग्रंथावली, ध्यान रखेंगे। अगले संपादक हैं दोस्तों, ध्यान दें, नामवर सिंह जी। इनकी आलोचना है, ध्यान दें, सॉरी आलोचना नहीं, ग्रंथावली है। ठीक है, आलोचक आलोचना ही समझ लें एक तरह से। ठीक है, क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल समग्र। इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। ठीक है, फिर है मुकुंद द्विवेदी जी। इनकी ग्रंथावली है हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, जो कि 11 खंडों में है। कितने खंड? 11 खंडों में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ग्रंथावली। क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली। किसकी है? तो किसने संपादन किया? मुकुंद द्विवेदी जी। नाम याद रखें। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान रखें,
नंद किशोर नवल जी इनकी ग्रंथावली है जिसका संपादन किया है किसने? नंद किशोर नवल जी ने। तो ध्यान दें, निराला रचनावली, ठीक है, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्हीं के नाम से है निराला रचनावली, जो कि 8 खंडों में है और जिसका संपादन नंद किशोर नवल जी ने किया है। फिर है दोस्तों नेमी चंद्र जैन, इन्होंने संपादन कार्य किया किसका? मुक्तिबोध रचनावली का। मुक्तिबोध रचनावली का कितने खंडों में है मुक्तिबोध रचनावली? 6 खंडों में। किसने संपादन किया? नेमी चंद्र जैन ने, ठीक है, ध्यान रखें मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में है, संपादक है नेमी चंद्र जैन। अगले संपादक हैं भारत यायावर जी, इनकी ग्रंथावलियां हैं, ध्यान दें ग्रंथावली है रेणु रचनावली, जो कि 5 खंडों में है, कितने खंडों में? 5 खंडों में, भारत यायावर जी की ग्रंथावली रेणु रचनावली। फिर है सुमित्रानंदन पंत, इनकी ग्रंथावली है सुमित्रानंदन पंत ग्रंथावली, जो कि 7 खंडों में है, कितने खंडों में? 7 खंडों में है सुमित्रानंदन पंत जी की ग्रंथावली, जिसका संपादन किसने किया? स्वयं सुमित्रानंदन पंत जी ने। तो ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों सुरेश शर्मा, अगली ग्रंथावली है किसकी? सुरेश शर्मा जी की। क्या नाम है? रघुवीर सहाय रचनावली, जो कि 6 खंडों में है, जिसका संपादन किसने किया? सुरेश शर्मा जी ने, ठीक है, सुरेश शर्मा, रघुवीर सहाय रचनावली जो कि 6 खंडों में है। फिर है परसाई रचनावली, ये भी 6 खंडों में है, कितने खंड? 6 खंड में। कौन है इसके संपादक? तो ध्यान रखें हरिशंकर परसाई जी की ग्रंथावली है परसाई रचनावली, जो कि 6 खंडों में है। ध्यान देना दोस्तों, गौर करें अरविंद त्रिपाठी जी, इनकी ग्रंथावली है श्रीकांत वर्मा रचनावली, जो कि 4 खंडों में है, कितने खंडों में? 4 खंडों में है श्रीकांत वर्मा रचनावली, जिसका संपादन किया अरविंद त्रिपाठी जी ने। अगले ग्रंथावली संपादक हैं अजीत कुमार जी, इनकी ग्रंथावली है बच्चन ग्रंथावली, जो कि 9 खंडों में है, कितने खंडों में? 9 खंडों में है दोस्तों, किसकी है? अजीत कुमार जी की, इन्होंने संपादन किया कार्य किया किसका? बच्चन ग्रंथावली का। फिर है अगली ग्रंथावली नागा अर्जुन रचनावली, कितने खंडों में है? 7 खंडों में है, जिसका संपादन कार्य किसने किया? शोभा कांत जी ने किया, क्या किसका? नागा अर्जुन रचनावली का, कितने खंडों में है ये? 7 खंडों में, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी इनकी ग्रंथावली है जो कि 14 खंडों में है, कितने खंडों में? 14 खंडों में है भगवती चरण वर्मा रचनावली, जिसका संपादन कार्य किसने किया? भगवती चरण वर्मा जी ने स्वयं किया, ठीक है, तो ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों अगली ग्रंथावली है धर्मवीर भारती ग्रंथावली, जो कि 9 खंडों में है, कितने खंडों में? 9 खंडों में, जिसके संपादक कौन है? चंद्रकांत वादिवडेकर जी, ठीक है, ध्यान रखें। क्या नाम है ग्रंथावली का? धर्मवीर भारती ग्रंथावली, 9 खंडों में, ध्यान रखें। अगले आलोचक हैं नीलाभ अश्क जी, इनकी ग्रंथावली है उपेंद्रनाथ अश्क रचनावली, जो कि उपन्यास के रूप में है 9 खंडों में है, ठीक है, उपन्यास रूप में है 9 खंडों में है उपेंद्रनाथ अश्क रचनावली, किसकी है? नीलाभ अश्क जी की, ध्यान रखें नीलाभ अश्क जी ने इसका संपादन किया है। गौर करना दोस्तों अगली
ग्रंथावली है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ग्रंथावली, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ग्रंथावली, जो कि 10 खंडों में है। कितने खंडों में? 10 खंडों में। किसने संपादन किया इसका? सदानंद साही जी ने, सदानंद साही जी ने। तो ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगले हैं निर्मला जैन। निर्मला जैन जी ने संपादन किया किसका? महादेवी वर्मा साहित्य का, महादेवी वर्मा साहित्य ग्रंथावली, ठीक है, जो कि 4 खंडों में है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। किसकी है? निर्मला जैन की कृति है। कैसी? संपादक, ठीक है, इसका संपादन किया है, ठीक है। तो ध्यान रखें, गौर करेंगे दोस्तों। अगले हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत जी ने संपादन किया माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली का। किसका? माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली का। कितने खंडों में है ये? 10 खंडों में है। 10 खंडों में है माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली, ठीक है, और श्रीकांत जी ने इसका संपादन किया है। ध्यान देंगे दोस्तों, अगले हैं नामवर सिंह जी। नामवर सिंह जी ने संपादन किया किसका? मल्यज की डायरी का। मल्यज की डायरी, जो कि 3 खंडों में है, जिसका संपादन किसने किया? नामवर सिंह जी ने। ध्यान रखें, गौर करना। अगले हैं कृष्णदत्त पालीवाल। अगले संपादक हैं कृष्णदत्त पालीवाल। इन्होंने संपादन किया मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली का। किसका? मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली का, ठीक है, और कितने खंडों में है ये? 12 खंडों में है, ठीक। कृष्णदत्त पालीवाल जी ने संपादन किया मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली का, जो कि 12 खंडों में है। ध्यान रखेंगे, अगले संपादक हैं दोस्तों, ध्यान दें, कल्याण सिंह शेखावत जी। कल्याण सिंह शेखावत जी ने संपादन किया मीरा ग्रंथावली का। किसका? मीरा ग्रंथावली का। फिर है दोस्तों नलिनी श्रीवास्तव। नलिनी श्रीवास्तव, इन्होंने संपादन किया किसका? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, एक बार फिर से सुने, नलिनी श्रीवास्तव जी ने संपादन किया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ग्रंथावली का। किसका? सही नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ग्रंथावली। 8 खंडों में है दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगले हैं वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन ने संपादन किया किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ग्रंथावली का। किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ग्रंथावली का, जो कि 9 खंडों में है। 9 खंडों में है, ठीक है, और किसने किया? वीरेंद्र जैन ने संपादन किया, ठीक। फिर हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। शिव मंगल सिंह सुमन जी, इन्होंने संपादन किया किसका? शिव मंगल सिंह सुमन समग्र का, ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन समग्र का। कितने खंडों में है ये? 5 खंडों में है, ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने स्वयं ही संपादन कार्य किया, ठीक है। ध्यान दे दोस्तों, शकुंतला ब्रजमोहन। अगली संपादक है शकुंतला ब्रजमोहन। इन्होंने संपादन कार्य किया स्त्री उत्कर्ष ग्रंथावली का, जो कि 4 खंडों में है। क्या नाम है? स्त्री उत्कर्ष ग्रंथावली, 4 खंडों में। किसने किया? शकुंतला ब्रजमोहन ने संपादन कार्य किया, ठीक है, इस पुस्तक का। फिर है जयदेव तनेजा। जयदेव तनेजा जी ने संपादन किया मोहन राकेश वचनावली का। किसका? मोहन राकेश वचनावली का, जो कि 13 खंडों में है। कितने खंडों में? 13 खंडों में है मोहन राकेश वचनावली, जिसका संपादन किया जयदेव तनेजा जी ने। ध्यान रखेंगे, गौर करें दोस्तों। अगले संपादक हैं नंद किशोर नवल। इन्हें तरुण भी कहते हैं, नंद किशोर नवल तरुण, ठीक है। ये हैं जिन्होंने संपादन कार्य किया किसका? दिनकर रचनावली का। दिनकर रचनावली का, जो कि 14 खंडों में है। कितने खंडों में? 14 खंडों में। फिर है डॉक्टर मनोहर लाल। डॉक्टर मनोहर लाल, इन्होंने संपादन किया किसका? गुलेरी ग्रंथावली का। गुलेरी ग्रंथावली का, जो कि कितने खंडों में है? 3 खंडों में। 3 खंडों में है डॉक्टर मनोहर लाल जी की ग्रंथावली,
किस नाम से है संपादन किया इन्होंने इसका, गुलेरी ग्रंथावली, ठीक है, जो कि 3 खंडों में है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों हमारा आलोचना और आलोचना से संबंधित सभी विषय यही समाप्त होते हैं। हमारा अगले विषय होगा आत्मकथा, ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे कथेतर गद्य विधाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मुझे लगा कि पढ़ाना चाहिए, इस वजह से मैंने ये डिस्कस किया, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।